हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो यहाँ से बात करे थे पहले कि किस तरह का मोमेंटम रहा है, हमारे टारगेट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो 70,334 हमने फर्स्ट एक डिसेसिव लेवल डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमारा बाई साइड का जो टारगेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केट ने सबसे पहला टारगेट हिट किया 70,501 का। इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने 70,802 का टारगेट हिट किया। इसके बाद हमारा जो लास्ट लेवल था 71,570 हमने मार्क किया हुआ था, मार्केट ने इसको भी हिट किया है। और अभी मार्केट से ऊपर की तरफ काम कर रही है, तो मतलब मार्केट ऊपर जा सकती है। मार्केट में जो हमारे टारगेट्स हमने मार्क किए थे कल की वीडियो में, वो हिट हुए हैं। आई होप अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। हम बात कर लेते हैं एक्सजी यूएसडी के ऊपर, उसके क्या लेवल्स हमने मार्क किए थे और क्या उसका रिस्पॉन्स रहा है। यहाँ से हमने दो लेवल्स मार्क किए थे, 22.78 और 22.69 का लेवल। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी, जैसे कि हमें यहाँ देखने को मिला, उससे मार्केट नीचे की तरफ भी आई है, लेकिन उसके बाद वापस बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया है। और हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ 22.85, इसके ऊपर क्लोजिंग जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिली। सेकंड टारगेट हिट हुआ 22.919 और इसके बाद फिर से यहाँ पे क्लोजिंग। और हमारा लास्ट टारगेट हिट हुआ 23.046 का लेवल। तो हमारे अपसाइड के टारगेट जो है वो एक्टिवेट हुए और वही हिट भी हुए हैं। सो आई होप अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो इसमें भी आपने जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। मार्केट जो है काफी ऊपर तक जा चुकी है और ऊपर जा रही है क्योंकि डॉलर काफी स्ट्रांगली गिर रहा है। और डॉलर के लिए हमने गोल्ड की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि डे के चार्ट पे वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। और जैसी वीकनेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, मोस्ट प्रोबेबली कल भी हमें एक रेड कैंडल, एक बेरिश कैंडल देखने को मिल सकती है। तो आज का जो ट्रेड था डॉलर के बेसिस पे अगर हम देखते तो इसमें हमें आज रेड कैंडल देखने को मिलनी थी, और इसकी वजह से यूरो करेंसी में जीबीपी यूएसडी एयूडी यूएसडी गोल्ड और सिल्वर में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलना था। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, गोल्ड और सिल्वर भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें दे गए अपसाइड का, अपसाइड की तरफ का। तो यहाँ पे डॉलर में वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है, इसी रीजन से सिल्वर और गोल्ड में हमें अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब वन आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि कल के क्या लेवल्स रह सकते हैं। एक्सजी यूएसडी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। अभी देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि डॉलर जो है अभी भी नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है 23.38 को हिट कर देगी, लेकिन उसके लिए आप एक चीज और कर सकते हैं। आप अगर ट्रेड लेते हैं गोल्ड में सिल्वर में तो आप डॉलर इंडेक्स का जो है DXY का जो चार्ट है वो साथ के साथ में खोल के रखिए अपने पास। और इस केस में आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मार्केट, इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं एक बार पेन का ताकि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके कि हम क्या लिख रहे हैं। देखिए अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो इस टाइम पे आपको जो सिल्वर और गोल्ड का जो टारगेट है वो डाउनसाइड का देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों जो चार्ट से साथ में साथ खोल के रखिए, और जैसे ही डॉलर अपना फर्स्ट लेवल हिट करे यहाँ पर, तो आप जो दूसरा अपना चार्ट है जैसे कि आपने अगर सिल्वर में ट्रेड लिया है तो उसमें एग्जिट कर दीजिए। और अगर आपको यहाँ पे डॉलर जो है रेजिस्टेंस देता हुआ नजर आ रहा है, नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट अभी नीचे गिरेगी डॉलर में, तो आप सिल्वर में और गोल्ड में बाई साइड का मोमेंटम ले सकते हैं। और जैसे ही गोल्ड जो है, सॉरी डॉलर इंडेक्स जो है अपना फर्स्ट टारगेट डाउन साइड का हिट करेगी, तो आप सिल्वर और गोल्ड में एग्जिट ले सकते हैं। तो आप इस तरह से हेल्प ले सकते हैं डॉलर के चार्ट की। तो अब हम बात कर लेते हैं, वापस चलते हैं एक्सजी यूएसडी के ऊपर। और फिलहाल इम्पोर्टेंट लेवल पर मार्केट आ रखी है, काफी अपसाइड का मोमेंटम ले चुकी है मार्केट। हमारा अपसाइड के लिए डिसिसिव लेवल रहेगा 23.385, क्योंकि इसके अभी नीचे की तरफ मार्केट काम कर रही है और ये मोस्ट प्रोबेबली मार्केट हिट कर लेगी। अगर मार्केट 23.385 ब्रेक किया तो 23.487 फर्स्ट टारगेट, 23.59 और 23.69 सेकेंड और थर्ड टारगेट रह सकते हैं। तो ये हमारे टारगेट लेवल्स रहेंगे, इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे। तो ये लेवल्स आप मार्क करिए अपने पास। और देखिए ये जो लेवल्स है ये पुरानी वीडियोस में हमने डिस्कस करे हुए हैं, ये सभी लेवल्स वीडियोस में डिस्कस करे हुए हैं। और क्यों क्यों मार्क करें ये भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे अगर हम बात करें 23.699 की, तो यहाँ पर मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस देखा हुआ है और 20.699 यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखा हुआ है। और 23.59 की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखा हुआ है। तो इन्हीं बेसिस पे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पे ये लाइन ड्रॉ करी हुई है। तो ये हमारे टारगेट्स रह सकते हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट गिरती है तो मार्केट 23.212 को पहले, सबसे पहले ब्रेक करेगी। हमारा टारगेट रहेगा 23.132,
इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है, देखिए यहाँ पे 23.09 ने बहुत देर तक मार्केट को होल्ड करे रखा, यहाँ से नीचे नहीं जाने दिया, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि हमें कि हम इस लेवल को इग्नोर कर दें 23.09 के लेवल को, बट हम इस लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते, मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो 23.09 सेकेंड टारगेट और 23.04 थर्ड टारगेट रह सकता है, तो ये लेवल्स आपके रहेंगे गोल्ड के सिल्वर के लिए एक्सजी यूएसडी के लिए, तो और डिसेंसिव लेवल रहेंगे 23.38 और 23.21 का लेवल। अब हम स्विच करते हैं सिल्वर के चार्ट के ऊपर, सिल्वर में मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लेती हुई नजर आ रही है और इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में काम कर रही है इस टाइम पर। अपसाइड के लिए जो टारगेट हमारा अपसाइड के लिए सॉरी जो डिसेंसिव लेवल रहेगा हमारा वो रहेगा 71,876 का, ब्लैक मार्क करेंगे इसको और अपने टारगेट लेवल्स को ग्रीन मार्क करेंगे। अगर मार्केट ने 71,876 ब्रेक किया तो हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा 72,035, 72,330 और 72,508 का, और इनकेस अगर मार्केट 71,570 को ब्रेक करती है तो हमें डाउनसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा 70,802 का। पिवट से एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आर वन है हमारे पास, आर वन इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है, एक लेवल हम यहाँ मार्क करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 70,961 का और सेकेंड रहेगा 70,802 का लेवल, तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, हमें काफी हेल्प करने वाले हैं कल। और अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं की है तो आप एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। किस तरह से ओपन करने है, किस तरह से फंड्स ऐड और विड्रॉ करने है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल जाएगी। और ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर हमारी स्ट्रैटेजी है, आप स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी है और फॉरेक्स में बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है, पर्सनली हम काफी यूज कर चुके हैं, बैक टेस्ट बहुत बार कर चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है स्ट्रैटेजी का। तो आप स्ट्रैटेजी पे क्लिक करके स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके आप उसको यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो स्ट्रैटेजी को जरूर गो थ्रू कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो और भी डाटा आ रहा है, छोटा छोटा डाटा आ रहा है जो कि मार्केट में आपको मोमेंटम दे सकता है, लेकिन मेजर जो डाटा मुझे यहाँ लग रहा है वो 6:30 बजे के अराउंड आ रहा है, तो आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं दूसरे डाटा के लिए, बट अदरवाइज हम 6:30 बजे जो डाटा आ रहा है उसको डिस्कस करते हैं। फोरकास्टेड लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल लेवल्स का रिलीज होंगे, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा, देखिए एग्जिस्टिंग का मतलब है जो भी है उनके उन घरों के सेल्स के बारे में है, यानी कि जितने ज्यादा घर बिक रहे हैं उतने ही ज्यादा, कैसे बिक रहे हैं ज्यादा घर, घर ज्यादा इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, वो तभी डिमांड कर रहे हैं। अब लोगों के पास पैसे हैं इसका मतलब क्या है कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, और अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है, और अगर इकॉनमी ग्रो कर रही है यूएस की तो उसकी जो करेंसी है वो भी ग्रो करेगी और ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर एग्जिस्टिंग होम सेल्स डाटा यहाँ पे पॉजिटिव आता है फॉरकास्टेड और प्रीवियस लेवल से तो डॉलर इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा गोल्ड और सिल्वर में, यानी कि एक्सएजी यूएसडी इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है अगर डॉलर ऊपर बढ़ा तो, और इनकेस अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स हमारा नीचे की तरफ गिरेगा और ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सएजी यूएसडी के ऊपर। और अगर आपको डाटा समझ में नहीं आया है कि किस तरह का डाटा आ रहा है और किस तरह का मोमेंटम आ रहा है तो थोड़ी सी देर वेट कीजिए, वेट करने से आपका थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर हाथ से निकल सकता है लेकिन आपको लॉस से बड़े लॉसेस से जरूर बचा लेगा। तो जैसे डाटा आता है कई बार स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का बनता है तो थोड़ी सी वेट कीजिए, आपको यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। अगर मार्केट यहाँ पे गिरने के बाद वापस ऊपर का मोमेंटम लेती है तो आप एंट्री ले सकते हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट इनकेस मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लेती है तो उसे नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है, यहाँ पर आकर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो यहाँ से आपने एंट्री नहीं लेनी है। रीजन उसका क्या है, रीजन उसका यह है कि इस लेवल पर आते आते मार्केट जो 50% से ज्यादा नीचे ऑलरेडी गिर चुकी है, यानी कि जितनी ज्यादा बाइंग हुई थी उसका आधे से ज्यादा सेलिंग भी हो चुकी है, यानी कि सेलर्स जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इस केस में आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस नीचे की तरफ आ सकती है और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड दे सकती है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली बाय साइड की तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉस होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो आपको मोमेंटम को देखना होगा यहाँ पर, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही है उसके अपसाइड का मोमेंटम लेना शुरू कर देती है तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे इतना नीचे गिरने के बाद आप एंट्री इसमें मत लें क्योंकि ये आपका लॉस में कन्वर्ट हो सकता है।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।